योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तारीख 4 दिनों के लिए आगे बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पहले 21 तारीख को शपथ ग्रहण होने की खबर थी, अब 25 मार्च को ही शपथ ग्रहण होगा। 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। समारोह कहां होगा? समारोह होगा लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि अब भी मंत्रिमंडल का हिस्सा कौन कौन होगा, इस फाइनल लिस्ट का इंतजार सभी को है। लिस्ट फाइनल अभी पूरी नहीं हो पाई है और शपथ ग्रहण में देरी की असल वजह भी इसी को ही माना जा रहा है। और देखिए, योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तो बढ़ गई है, तो तैयारियां और बड़ी हो गई है और साथ ही मेहमानों की लिस्ट भी। जी हाँ, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को समारोह में बुलाने की पूरी योजना है और बड़ा सा मंच होगा और उसके सामने इकाना स्टेडियम में भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। एक नजर योगी के शपथ ग्रहण समारोह में जुटने वाले खास लोगों पर अब डाल लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा होंगे, सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नाम। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्री भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। तो 25 तारीख को समारोह और उससे जुड़ी जो जानकारी है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजेपी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को भी बुलाने की चर्चा हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे, आरएसएस के सीनियर पदाधिकारी और नेता भी होंगे। साथ ही देश के नामी उद्योगपति के भी आने की खबर आ रही है। देश के कई बड़े धर्माचार्य भी इस समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा इस बार बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सरकारी योजना के लाभार्थियों को भी बुलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।